कंसीव ना करने का कारण क्या है, आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3, जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर ये सभी नॉर्मल आते हैं तो आप लोग से प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है। तो जब तक आप लोगों को प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन ना हो। वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर लेट्रोजोल गोली लेने के बाद भी प्रेगनेंसी ना रुके, कंसीव ना हो, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। बहुत बार पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि उन्हें इस गोली से उम्मीद होती है कि इस गोली को लेने के बाद उनको कंसीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और लोगों की जो उम्मीद है वो इस गोली से टूट जाती है। सारा दोष लोग इस गोली को देते हैं कि ये कैसी डॉक्टर ने गोली उनको प्रेस्क्राइब करी है जिससे उन्हें कंसीव नहीं हुआ है। अगर आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हो इस गोली के बारे में तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये जो गोली है, हम लोग इस गोली को अंडे की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं, जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन में या फिर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे IUI, IVF के केसेस में, जहां पर फीमेल का जो ओवम होता है, अंडे की जो क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग ये गोली प्रेस्क्राइब करते हैं। तो पहले तो आप लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि इस गोली को खाने से कंसीव होता है। अब रही बात आप लोगों को इस गोली को खाने के बाद भी कंसीव क्यों नहीं हुआ है, तो देखिए कंसीव करने के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अगर सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं तो आप लोगों को बिना गोली खाए ही कंसीव हो जाता, ठीक है। अब बात जो है इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई लेट्रोजोल गोली को खाने के बाद भी कंसीव ना हो तो आगे करना क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकली डिसऑर्डर, कुछ बीमारियों के कारण जब आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, और तीसरे पार्ट में उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो है कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ब्रीफली कि लेट्रोजोल गोली को कैसे लेना होता है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करनी होती है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने आप लोगों को ये गोली प्रेस्क्राइब करी है, लेकिन डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पेशेंट अगर फॉलो ना करे, जैसे कि गोलियां टाइम पर ना लेना, या फिर जिस दिन डॉक्टर ने आप लोगों को फिजिकल रिलेशन रखने के लिए बोला है उस दिन अगर आप लोग फिजिकल रिलेशन नहीं रखोगे तो कंसीव कैसे होगा। तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना, इसमें सब कुछ बताया है कि ये गोली काम कैसे करती है, लेट्रोजोल गोली को लेने के बाद फिजिकल रिलेशन कब रखना होता है, लेट्रोजोल गोली लेने के बाद आप लोगों को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना होता है, और जो भी आप लोगों को कॉमन इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के डॉक्टर देते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन आउट किया है, ठीक है। सर लोग क्या करते हैं कि जब लेट्रोजोल गोली का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो मैंने इस वीडियो में, इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ओवुलेशन है वो लगभग 5 से 10 दिन के बीच में होता है। अब जिस दिन अंडा फूट रहा है, जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है, अगर आप लोग उस दिन रिलेशन नहीं रखोगे तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अपनी ये जो मिस्टेक है उसको सुधारिए, आप लोगों को ओवुलेशन के टाइम जो है रिलेशन रखना है। मिस्टेक नंबर 3 जो पेशेंट कॉमनली करते हैं वो ये है कि वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग नहीं कराते हैं। अब देखिए, जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, जो कि एक अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, अगर आप लोग करवाते हो तो उससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी मोटाई कितनी है, दूसरा ये कि ओवुलेशन किस दिन होगा, मतलब जो फॉलिकुलर है वो किस दिन रप्चर होगा, किस दिन अंडा फूटेगा, वो सब कुछ आइडिया आप लोगों को मिल जाता है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करानी जरूरी होती है जब आप लोग लेट्रोजोल गोली को लेते हैं। मिस्टेक नंबर 4 कि कुछ लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग तो करा लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए जो LH टेस्ट कार्ड है वो यूज़ नहीं करते हैं। होता ये है कि जब आप लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग 24 आवर्स नहीं हो सकती है। आप कुछ स्पेशल टाइम पर हॉस्पिटल में जाते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, जो फॉलिकुलर का साइज़ है वो देख लेते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनेस हम लोग देख लेते हैं, लेकिन 24 आवर में ये तो नहीं पता लगता है कि किस दिन अंडा फूटेगा। एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हाँ फॉलिकुलर का ये साइज़ है तो इस दिन ओवुलेशन हो सकता है या इस टाइम पर ओवुलेशन हो सकता है। तो एग्जैक्टली हमें ये पता करने के लिए कि भाई इस दिन ओवुलेशन होगा, इस दिन अंडा फूटेगा, उसके लिए आपको एक तो LH टेस्ट कार्ड का यूज़ करना है, जो ओवुलेशन टेस्ट कार्ड है उसका यूज़ करना है, और साथ में आप लोगों को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करानी है।
अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हो तो एक एग्जैक्ट आइडिया हमें मिल जाता है एज ए डॉक्टर भी, और आप लोग जो पेशेंट हैं उनको भी ये कंफर्म हो जाता है कि इस दिन ओवुलेशन होगा। अब एक बार कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को ओवुलेशन हो रहा है, अंडा फूट रहा है, तो उस दिन आप लोगों को रिलेशन बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग उस दिन रिलेशन बनाते हैं, ओवुलेशन के ड्यूरिंग रिलेशन बनाते हैं, तो आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है अगर सारे पैरामीटर नॉर्मल होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि आप लोगों ने ओवुलेशन को ट्रैक किया और आप लोगों को ये भी पता लग गया है कि आप लोगों को ओवुलेशन हो रहा है, अंडा फूट भी रहा है, और उस दिन आप लोगों ने रिलेशन बनाया। अब प्रेगनेंसी टेस्ट करने में भी लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भाई उनका नेगेटिव आया तो वो अगले ही साइकिल का वेट नहीं करते हैं और लेट्रोजोल गोली को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक नंबर 5 है वो ये है कि जब तक आप लोगों को प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो तब तक आप लोगों को लेट्रोजोल गोली नहीं लेनी है। कभी कभी फीमेल्स को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और पेशेंट पार्टी को ये लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए हैं और डे सेकेंड पे वो लेट्रोजोल गोली को ले लेते हैं। अगर आप लोग प्रेगनेंसी के टाइम लेट्रोजोल गोली को ले लेते हो तो उससे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसका मिसकैरेज हो जाती है, क्योंकि लेट्रोजोल गोली जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इससे प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है। तो जब तक आप लोगों को प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन ना हो तब तक आप लोगों को जो लेट्रोजोल गोली है वो नहीं लेनी है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, तो इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने, तो फटाफट इस वीडियो को आप लोग देख लेना इस वीडियो के खत्म होने के। अब आप लोगों ने सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो किया लेकिन फिर भी कंसीव ना हो तो क्या करें। अब देखिए, अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लेट्रोजोल गोली है, वैसे तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि आप लोग 4 अटेम्प्ट्स ले सकते हो, लेकिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन आप लोग लेट्रोजोल गोली के 6 अटेम्प्ट्स भी ले सकते हो, मतलब कि लगातार आप लोग 6 महीने तक लेट्रोजोल गोली को ले सकते हो डॉक्टर के अंडर सुपरविजन। अगर आप लोगों को पहले मंथ में कंसीव नहीं होता है तो हम लोग यूजली क्या करते हैं, लेट्रोजोल गोली की जो डोज है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट राउंड 2.5 mg से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग 5 mg कर देते हैं, अगर 5 mg से स्टार्ट हुआ है कंसीव नहीं हुआ तो 7.5 mg कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी डोज बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी अंडे की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और LS टेस्ट कार्ड का तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हो, जिससे हम लोगों को ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों को ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों की डोज बढ़ाने के बाद भी अगर आपको कंसीव ना हो तो क्या करें, तो नेक्स्ट जो स्टेप आप लोगों को लेना है वो है सीमेन एनालिसिस, मतलब कि वीर्य की जांच, हस्बैंड के वीर्य की जांच होनी जरूरी है ताकि हम लोगों को ये पता लग सके कि जो स्पर्म काउंट हैं उनके काउंट्स नॉर्मल है कि नहीं है, उनकी जो बनावट है वो सही है कि नहीं है, और जो स्पर्म है वो मोटाइल है कि नहीं है। अगर कुछ भी एबनॉर्मल आता है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट अगर सीमेन एनालिसिस भी आप लोगों का नॉर्मल आता है तो क्या करना है, वेल देखिए, अगर सीमेन एनालिसिस भी आप लोगों का नॉर्मल आ रहा है तो फिर जो अगला टेस्ट है वो फीमेल के लिए होता है जिसे हम लोग HSG बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने को हम लोग देखते हैं कि वो उसमें रुकावट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग HSG कराते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि इसको कराने के बाद ये जो HSG है, जो एक टाइप का एक्सरे होता है, इसमें डाइज डाली जाती है, इसको कराने के बाद ये जो टेस्ट है ये एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। बहुत बार लोगों को इसके कराने के बाद ही कंसीव हो जाता है, तो इसको कराने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों की ट्यूब खुली है कि नहीं खुली। बट अगर आप लोगों की HSG नॉर्मल है, सीमेन एनालिसिस भी आप लोगों का नॉर्मल है, ओवुलेशन भी अगर आप लोगों को प्रॉपरली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगला जो स्कैन है वो होता है हिस्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के हम लोग यूट्रस की दीवारों को देखते हैं, उसकी शेप को देखते हैं कि भाई यूट्रस की दीवार में किसी टाइप की सूजन तो नहीं है, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है यूट्रस की शेप सही नहीं होती है। अगर शेप में गड़बड़ी है या बच्चेदानी के अंदर यूट्रस के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, या उसकी परत में कोई किसी टाइप की एबनॉर्मैलिटी है, तो फिर आप लोगों को फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, मतलब कि अंडा जो स्पर्म है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, यूट्रस में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो हिस्ट्रोस्कोपी से हमें
ये कन्फर्म हो जाता है कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है या फिर बच्चेदानी में किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, सूजन तो नहीं है। तो ये स्कैन अगर आप लोग करवा लेते हो तो इससे आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि कंसीव ना करने का कारण क्या है, और हिस्टोस्कोपी कराने के बाद भी अगर आप लोगों को कंसीव नहीं होता है तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हिस्टोस्कोपी है अगर आप लोगों की नॉर्मल आ रही है, HSG आप लोगों की नॉर्मल है, सीम एनालिसिस आप लोगों का नॉर्मल है और ओवुलेशन भी आप लोगों को प्रॉपरली हो रहा है, तो आप लोग सही टाइम पर फिजिकल रिलेशन नहीं रख रहे हैं या फिर आप लोगों के जो टेस्ट आप लोगों ने कराए हैं उसमें किसी टाइप की खराबी है। जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं अगर ये सभी नॉर्मल आते हैं तो आप लोगों को कंसीव होना चाहिए 100%। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।